हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के 9:30 हो गए हैं। 9:30 बजे से आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो बेड मैंने अभी अपना ओपन करा था क्योंकि अक्रिस की मुझे पैंट निकालनी थी, स्कूल की जो विंटर वाली होती है वो, तो उसके लिए पैंट निकालनी थी। तो मैं बेड को ऐसे ही खोला, छोड़ के भागी सीधा उसको स्कूल छोड़ने। उसको स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद थोड़ा सा अपनी चाय वगैरह मैंने पी है और अब लग गई हूँ अपने घर की सफाई में। तो आज ना मुझे बहुत बड़ा टास्क कम्प्लीट करना है। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली वाली है और आजकल मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, ना तो खाने का टाइम है ना तो पानी पीने का, बहुत ज्यादा बिजी हो रहा है। और कल से कोल्ड भी इतना ज्यादा हो गया, आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, मेरी ना नोज बिल्कुल बंद हो गई है और सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे बहुत तेज के दर्द हो रहा है। आपने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा होगा ना, जब मैंने आपके साथ शेयर करा था कि हस्बैंड ने दरवाजे वगैरह में पेंट करा था, तो रात को क्या हुआ, वो पेंट की स्मेल मेरे नाक में ऐसी चढ़ी कि मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है ये पेंट की। मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं ना बिल्कुल नोज को अपना कवर करके बार बार सो रही थी क्योंकि एकदम ना दिमाग में वो स्मेल जा रही थी, जिससे कि मेरे को एकदम से हेडेक भी होने लगा। और रात को फिर मैंने इतनी ठंड में पूरा फर्श साफ करा था, आपने देखा था। तो हस्बैंड को, मुझे, बच्चों को, सबको ही ना कोल्ड कफ हो रहा है बहुत ज्यादा, पूरी सर दर्द हो रहा है और हल्का हल्का सा फीवर सा भी फील हो रहा है हस्बैंड को। तो मुझे तो फीवर नहीं है पर हस्बैंड को लग रहा है क्योंकि इतने दिनों से वो घर में पेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल थक गई है उनकी। तो बोल रहे थे मेरे लेग्स में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है मुझे। तो वही होता है, दिन भर ऑफिस होता है, फिर घर के इतने सारे काम, फिर तो मतलब आफत आ गई है, हालत खराब हो गई है हम दोनों की। यहाँ पे ना आज मैंने सोचा था मैं अपने इस सोफे को पेंट कर दूं क्योंकि इस सोफे को लिए हुए जितने टाइम मेरी शादी को हो गए हैं ना, मेरी शादी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और उतना ही टाइम इसको भी हो गया है। तो इसको हमने सेकंड हैंड लिया था, मेरे हस्बैंड के ऑफिस के ही कोई दोस्त थे तो जिन्होंने न्यू सोफा लिया था, तो उनसे हमने ये लिया था। उस टाइम पे हमारे पास इतना जगह नहीं थी, बस एक रूम था उस टाइम पे जब मैं नई नई शादी करके आई थी, और वो रूम काफी बड़ा था, मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है ना, इतना बड़ा वो रूम था। और बस सामान उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं ज्यादा, तो हस्बैंड ने बोला कि सोफा वो दे रहा है क्या मैं ले लूं, तो मैंने बोला ले लो, और हमने ये सोफा सेकंड हैंड ले लिया था उस टाइम पे। तो इतने सालों से ये हमारे पास है, पता नहीं उन लोगों के पास कब से होगा और उन्होंने इसमें पॉलिश वगैरह करवाया कब कराया मुझे नहीं पता, पर 10 साल से मेरे पास है और 10 साल से इसमें पेंट नहीं हुआ है अभी, मतलब इसको 10 साल नहीं हुए लिए। ये जब मेरी बिट्टू हुई थी ना उसके बाद हमने लिया था, मतलब वही 8-8.5 साल हो गए हैं इस सोफे को आराम से। तो मतलब तब से इसमें मैं हस्बैंड से बोल बोल के थक गई हूँ कि इसमें आप पॉलिश करवा दो, पॉलिश करवा दो, क्योंकि इसकी साइन ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइन नहीं है इसमें। तो ये सोफ़ा वगैरह का जो फर्नीचर होता है ना, तो इनको हमें पॉलिश वगैरह कराते रहना चाहिए जिससे कि इनकी लाइफ थोड़ा बढ़ती भी है और इनकी साइन बनी रहती है, जो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैं बोल बोल के थक गई हूँ। मेरे मम्मी लोग आते हैं गांव से, मेरे सास ससुर जी आते हैं, सब कुछ सब लोग यही बोलते हैं कि इसको हटाना मत, बस इसको आप लोग पॉलिश करवा लो, ये काफी अच्छा सोफा है, एकदम हैवी, बिल्कुल कहीं से भी ना मतलब इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। ये लकड़ी यहाँ इसकी 2-3 जगह से टूटी हुई है, वो भी बच्चे उछल कूद करते हैं उसकी वजह से, और जब देहरादून हमारा सामान शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे, शिफ्टिंग के टाइम पे ये सामान हमारा थोड़ा बहुत टूट गया था। तो प्लीज इसको आप इग्नोर करना क्योंकि टूटा है, और जो चीज रियल मेरे पास है मैं वही आपको दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिखावा करूंगी आपके सामने, जो रियल है तो है। तो आज मैंने सोच लिया था कि मैं इस पे पेंट करूंगी, और पेंट करना तो मैंने शुरू कर लिया था, घर में झाड़ू पोछा मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था सबसे पहले उठ के। कुछ दिन से मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाया है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं किचन में जाती हूँ और बच्चों को भी बाद में ही उठाती हूँ। तो मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया था पर उसका कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि पूरा फर्श ना अगेन गंदा हो गया था, आप देख सकते हैं पूरा पेंट गिर रहा है नीचे चप्पलों की वजह से मेरे, तो चप्पलों पे चिपक चिपक के इधर उधर फरवा ना वो फैल रहा था, मैंने न्यूज़पेपर भी बिछाया था नीचे पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे दोबारा से जो है क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी, तो फिलहाल तो जल्दी से इसको पेंट कर लेते हैं। तो देखिए पूरे सोफे को मैंने पेंट कर लिया है फाइनली 8-10 साल के बाद इस सोफा का नंबर आया है, इसको मैंने जो है मेकओवर इसका कर दिया है। और जैसे ही मैंने पेंट करा ना उसकी एक अलग सी साइन उसमें आने लगी थी,
फिलहाल मैंने उसको छोड़ दिया है ऐसे ही और पंखा चला दिया है ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे ना फिर वो जो है बच्चे टच वच करते रहेंगे तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा और बच्चों के हाथ भी गंदे होंगे, तो मैंने उसमें पंखा चला के छोड़ दिया था ताकि बच्चों के आने तक हल्का सा तो वो सूख ही जाएगा। फिलहाल उसमें हम सोफ़ा के कवर मतलब गद्दी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और हस्बैंड ने कल पूरे दरवाजे वगैरह में तो पेंट कर लिया था पर ये विंडो रह गई थी और इसमें पेंट इतना ज़्यादा गिरा था तो हस्बैंड बोल रहे थे इसमें आप पेंट वेंट मत करना, बस इसको साफ़ कर देना। तो मुझे साफ़ करने से ईजी लगा कि क्यों ना मैं इसको पेंट कर दूँ, देखने में भी थोड़ा चमकेगा और साफ़ करने में मुझे घिसाई करनी पड़ेगी तो पानी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि पूरी दीवार भी गंदी होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना पेंट तो कर ही रही हूँ तो इसको भी जो है मैं हाथ के हाथ देती हूँ। और सोफा का काम पेंट करने का तो मैंने उठा लिया था पर उसको करते करते मुझे इतना टाइम लग गया, मतलब मैं परेशान हो गई थी क्योंकि बच्चों को लाना था और मैंने नहाया भी नहीं था, साथ में खाना बनाना था, लंच टाइम पर बनाना होता है, बच्चों को टाइम से लाना होता है, फिर तो ये हो गया कि मैंने क्यों इस पर हाथ लगा दिया, क्योंकि उसमें डिज़ाइन वगैरह बने हैं ना जिसकी वजह से मुझे पेंट करने में काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो हमारी बालकनी वाला गेट है ना इसमें बच्चों ने इतने ज़्यादा पेन स्केच वगैरह चला रखे हैं, मतलब वो इनका ये वाला गेट जो है उनका ब्लैक बोर्ड होता है, जब भी वो टीचर टीचर खेलते हैं इसमें ही वो लिख देते हैं, कितना भी मना बोलो बच्चे कहाँ मानते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। तो एक कोट तो हस्बैंड ने कल रात को इसमें कर दिया था पर फिर भी ना इसमें मुझे कुछ कुछ दाग धब्बे दिख रहे थे, मतलब ये चमक नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी मैं एक बार लगा लेती हूँ तो हस्बैंड के लिए थोड़ा सा शाम को ना आसान हो जाएगा, नहीं तो वो मुझे बोल के गए थे मैं शाम को करूँगा दरवाजे वगैरह। और सोफ़ा के लिए भी उन्होंने मुझे नहीं बोला था, मैंने खुद से ही कर दिया क्योंकि वो फिर आके मुझे तो बोल के गए थे कि दरवाजे पर आप मत करना मैं आके करूँगा, पर मुझे पता है कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो और भी बहुत सारे काम है, अभी जो हमारा मंदिर वाला रूम है उसका भी पेंट करना बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फैल गया घर इस पेंट के चक्कर में ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, सब कुछ अकेले संभालना बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, क्योंकि हस्बैंड तो अपना पेंट वेंट करके चले गए पर जो सेटिंग वेटिंग करनी होती है ना वो हम लेडीज़ों को ही करनी पड़ती है, बाकी हस्बैंड सफाई वगैरह में मेरा पूरा साथ देते हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला था मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था पर नीचे पेंट गिर गया था, तो ये जो हमारा पेंट में मिलाने वाला एक ऑयल आता है ना उससे ही मैं इसको घिस घिस के निकाल दूंगी, तो ये हाथ के हाथ तुरंत निकल भी जाएगा, नहीं तो अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर ये जम जाता है तो ये निकलेगा नहीं। तो इन सारे कामों को ना तुरंत के तुरंत कर डालो तो ठीक होता है, क्योंकि इतने दिन से घर में पेंट हो रहा है तो हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई है कि हाँ कौन से काम को किस तरीके से हमें करना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैंने फर्श को घिस घिस के साफ तो कर लिया है, अब बारी आती है फर्श में पोछा लगाने की, तो पोछा मुझे पूरे घर में दोबारा से लगाना पड़ा, तो मैंने सोचा चलिए पूरे घर में ही लगा लेते हैं। और मैं सोची थी मॉप से निकालूंगी मैं, मॉप से हो जाएगा, पर मॉप से ये निकला नहीं क्योंकि इसमें मिट्टी का तेल सा कुछ होता है ना तो वो बिल्कुल पेंट के साथ जम रहा था, तो फिर मुझे हाथ से पोछा लेके हाथ से घिस घिस के इसको दोबारा से निकालना पड़ा, तब जाकर कहीं मेरा फर्श थोड़ा सा साफ हुआ है, मतलब अब अच्छा खासा साफ हो गया है। तो मैंने एकदम गरम पानी लिया है, एकदम बहुत ज़्यादा खोलता हुआ भी नहीं, गरम जितना कि हम बर्दाश्त कर सके, उसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाला है, बस उसी से ही मैंने पूरे घर में फिर पोछा लगा लिया था। और ये स्विच बोर्ड है हमारे जिनको कि पेंट वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा गिर गया था, इनको भी मुझे साफ़ करना था क्योंकि दिवाली बिल्कुल आ ही चुकी है, दो तीन दिन बचे हैं और मैं हस्बैंड को बोल रही थी मुझे लग रहा है कि पेंट दिवाली भी चली जाएगी पर मेरा घर का पेंट का काम ख़त्म नहीं होगा, पर देखते हैं कितने दिन अभी लगते हैं। और आप सबके भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप थोड़ा सा रेस्ट करो, इतना मत थको कि आप दिवाली का त्यौहार सही से मना लो, इतना काम मत करो, पर क्या करें अगर घर में आपने इतना बड़ा कदम अगर उठा लिया है ना, अगर आपके सर पे आ गई है तो फिर करना ही पड़ता है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, करना तो मुझे ही है, चाहे मैं आज करूँ चाहे मैं कल करूँ, बच्चे भी अभी मेरे इतने बड़े नहीं है कि मैं उनसे थोड़ा बहुत हेल्प ले लूँ, क्योंकि इतने काम के बाद अगर आपको कोई एक कप चाय बना के भी दे देना तो ये लगता है यार मतलब हमारा सारा काम ना मतलब चुटकियों में हो गया था, इतना रिलीफ मिलता है, पर नहीं हो सकता, खुद ही सारे काम निपटाने हैं जैसे तैसे भी हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने घर का काम खत्म करा, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, नहाया अभी भी नहीं है क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा था और लंच बनाने का भी टाइम हो गया था, तो सोचा सबसे पहले मैं लंच चढ़ा दूँ, लंच एक साइड पकता रहेगा और मैं उतनी देर में नहा के आ जाऊंगी, फिर मैं बच्चों को लेने चली जाऊंगी स्कूल। तो
दालें भी सारी हमारे ख़त्म हो रखी हैं। दालें वगैरह मुझे लेने के लिए जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं कब जा पाते हैं लाने के लिए दाल वगैरह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने उत्तराखंड की दाल जो कि भटकी छुड़कानी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे सबको कोल्ड कफ हो रहा है ना, तो ये भटकी जो दाल बनती है ना, भटकी छुड़कानी, ये गर्म होती है और इसमें आटा डाला जाता है, मतलब ग्रेवी को मोटा करने के लिए। तो आटा भी इस तरीके से अगर आप भून के यूज़ करते हैं तो वो उसका मतलब गर्म होता है वो, तो इसलिए ये जो भटकी दाल है ये भी गर्म होती है। तो सोचा सबको कोल्ड वगैरह हो रहा है, क्यों ना मैं इसी की दाल बना दूं, तो बच्चे भी पी लेंगे थोड़ा सा, मैं भी गरम गरम खाते टाइम पी लूंगी ना, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो देखिए जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे सब्जी भी चढ़ा दी है, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले वगैरह मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम जो है हल्के हल्के आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मुझे इतना लेट हो रहा था ना, मैंने गर्म पानी का यूज़ करा है ताकि सब्जी मेरी थोड़ा सा जल्दी बन जाए। तो सब्जी वगैरह चढ़ाई मैंने, सोची थी नहाने जाऊंगी और चावल निकालने के लिए नीचे बैठी तो देखा कि यहाँ ये जो मेरा कैबिनेट है ये वाला, ये जो मतलब ये किचन का जो स्टैंड, सॉरी किचन की का जो कैबिनेट है, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। ये मतलब गांव से वो आई थी दालें वगैरह ना, तो वो मैंने ऐसी रख दी थी। और परसों में चावल लेके आई थी, उनको भी मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो इतना नीचे सारा मैस फैला हुआ था, तो मुझे इसको साफ़ करना था। तो सोचा क्यों ना जल्दी से इसको साफ़ कर दो, थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो मैंने जल्दी से इसको भी साफ़ कर लिया है। अब एक दिन किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है, देखो कब मुझे टाइम मिल पाता है, क्योंकि पहले मुझे किचन में पेंट करवाना है, उसके बाद ही किचन की डीप क्लीनिंग होगी। वो तो जब पेंट होगा मैं उसके बाद ही करूँगी। तो देखिए बस मोटा मोटा जल्दी से मैंने इसको भी कर लिया है साफ। और जो ये स्टैंड वगैरह मतलब एक वो है बर्तन वगैरह है ना, ये जो बड़े बड़े से जिनमें मैं आटा चावल वगैरह रखती हूँ, कंटेनर है जो, इनको मुझे साफ़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, ठीक थे। तो मैं इनको बस एक कभी ऐसे ही चलते फिरते एक हाथ मार दूंगी तो ये इतने में ही चमक जाएंगे, क्योंकि गंदे नहीं थे ज़्यादा, इनको मैं साफ़ करती रहती हूँ। बाकी देखिए अच्छे से सारा सामान कर दिया है सेट, और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा मैसी हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो है कैबिनेट वगैरह भी साफ़ कर लिया है, एक ही साफ़ करना था उसको साफ़ करा। बर्तन थे यहाँ पे मॉर्निंग के नाश्ते के बर्तन है, और लंच का टाइम होने वाला है, अभी तक जो है मेरे बर्तन वॉश नहीं हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ही मैं सोफे पे इतना बिजी हो गई थी। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ना, देखने में काम थोड़ा सा लगता है पर उसको करने बैठो तब पता चलता है कि हाँ कितनी ज़्यादा आफत आ गई है। टाइम तो लगा पर हाँ करके जो आपको रिलैक्स मिलता है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ये था कि चलिए मेरा सोफ़ा वगैरह चमक गया है, अभी इसको सूखने देते हैं। और बैक में इतना पेन हो गया था अभी तक तो काम करते करते कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत थक गई थी और पानी की प्यास लग रही थी वो अलग बहुत तेज़ की। तो यहाँ पर मैं अपना पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरे पास है अभी बच्चों को लाने का, उसके बाद जाऊंगी बच्चों को लेने, पानी पी के मैं भागूंगी जल्दी से नहाने के लिए। फिलहाल जो है इसी के साथ ही अपने आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करूंगी आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर किसी भी वजह से जरा सभी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।